Morning dear students, we are going to start our language class and today we are restart our lesson 9 pronoun. Pronoun क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो यहाँ लिखा है word be used in place of noun. Naming words or noun is called pronoun. कहने का मतलब noun की जगह पे जो word use होते हैं उसे हम लोग pronoun कहते हैं. ठीक है, जैसे मनन इज ए बॉय. मनन एक लड़का है जिसका, ठीक है, और वह खेल रहा है. मनन इज ए बॉय, ही प्लेज विद ए बॉल. ठीक, अभी मनन की जगह पे हमने क्या रख दिया, ही रख दिया, तो यही है प्रोनाउन. ठीक है, जैसे दूसरे एक सेंटेंस में आप देख रहे हो रानी इज ए गर्ल. रानी एक नाम है, एक लड़की का नाम है. ठीक है, वो उसके बाद वहां पे दूसरे सेंटेंस में दिया है सी हैज ए डॉल. ठीक है, तो वहां पे सी जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि हम प्रोनाउन का यूज इसलिए करते हैं, अगर बार बार हम नाउन का यूज करेंगे या नाम का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस या फिर वो स्टैंजा अच्छा नहीं लगेगा, बार बार हम नेम यूज करेंगे. तो इसलिए एक बार हमने नाम का यूज कर लिया, दोबारा हम लोग फिर क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं. ठीक, जैसे टॉमी इज ए डॉग, इट इज ए ब्राउन, इट हैज ए बॉल. ना, तो टॉमी को बार बार हम लिखेंगे टॉमी इज ए डॉग, टॉमी इज ब्राउन, टॉमी हैज ए बॉल, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा और उसको हम लोग सुंदरता से देख भी नहीं सकते. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉमी की जगह इट लगा देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए डू एंड लर्न में पहले तो आप लोग रूल्स देखेंगे. ही इज यूज फॉर ए मैन बॉय मेल, मतलब आप जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो कहाँ किसके लिए यूज होता है, किसी आदमी के लिए, किसी लड़के के लिए और किसी मेल होगा, पुरुषलिंग होगा. तो सी इज यूज फॉर ए वुमन, सी का यूज कहाँ पे होता है, एक औरत होगी, लड़की होगी या फीमेल में कोई भी होगा. ठीक है, इट इज जनरली यूज फॉर मेनी एनी क्रीचर ऑफ थिंग. इट का यूज कहाँ होता है, कोई क्रीचर यानी कोई कीड़ा मकोड़ा पक्षी को हुआ या कोई सामान हुआ, निर्जीव वस्तु हुई, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं. ये हमारा जनरली होता है. जैसे डू एंड लर्न में देख रहे हो पुट द वर्ड्स इन करेक्ट कॉलम. जैसे ही, तो अभी यहाँ पे ही है, ही और नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, तो नाम में आपका क्या होगा, लड़के का नाम हो सकता है, किसी आदमी का नाम हो सकता है. तो यहाँ पे जितने नाम ही में रहेगा उसको हम लोग फिल करेंगे. जैसे रवि है, कार्तिक है, रोहन है. दूसरा है सी. सी का मतलब कोई महिला या लड़की, तो इसमें जितने भी महिलाओं संबंधित नाम है उसको हमको फिल करना है. ठीक, इट का मतलब जहाँ पे कोई निर्जीव चीज हो या कोई क्रीचर होगा तो हम उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं. तो इट में यहाँ पे देखिए चेयर आ गया, टेबल आ गया, फ्लावर आ गया. तो इस तरह से हमारा इसको फिल करना है. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद ही सी इट आर दे. तो आप देख रहे हो काव्य क्या है, काव्य लड़की है तो उसके लिए सी लगाएंगे. अजीज क्या लड़का है, उसके लिए ही लगाएंगे. गुरमान एंड अमर आर तो यहाँ पे दे लगाएंगे. और कैट क्या है, क्रिचर है, उसके लिए इट लगाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से आज हमको ये कंप्लीट करना है. इसी तरह एक्सरसाइज सी भी देखिए, लुक एट द पिक्चर. पिक्चर देखना में देखिएगा और इसमें जो सुटेबल प्रोनाउन है उसको फिलअप करिएगा. ओके, आज के लिए इतना ही, आप इसको तैयार करिएगा, आगे फिर हम लोग कल पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.